अरुणिता के बारे में मुझे ऑनेस्टली कहूँ तो कुछ बोलना ही नहीं है यार जस्ट सुनते रहो उसका वॉइस उसकी आवाज़ जिस तरीके से जिस डेडिकेशन के साथ वो गाती है ना उसकी उम्र के हिसाब से इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी उसको लगती है ना कि आप बोलोगे कि यार ये यंग है ही नहीं इट्स लाइक like कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है कोई एंड रियलिटी ऐसी नहीं है शी इज सो यंग वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अब है लेकिन वो जी जिस मैच्योरिटी के साथ गाती है ना भाई वो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी सिंगर जो एक्सपीरियंस है बहुत जिसने 400-500 क्या मैं तो बोलूँगा हज़ार सॉन्ग्स गाए हैं वैसे टाइप की एक मैच्योरिटी पहले ही है उसके पास एंड इट्स नॉट डेट ईजी यार टू एग्जीक्यूट जिस तरीके से वो परफॉर्म करती है यस yes, कुछ लोग ये ज़रूर बोलते हैं मुझे कि नहीं यार आप एक मामले में सही मतलब ये गलत बोल रहे हो कि इसको बॉलीवुड में मतलब अगर वो आएगी तो पॉलिटिक्स होगा ये होगा देखो क्या है मैं खुद मानता हूँ कि बॉलीवुड में पॉलिटिक्स है पर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वो बॉलीवुड में कुछ कहीं पे तो काम उसको तगड़ा मिले क्योंकि भाई एक बार अगर वो आएगी हाँ ये बात है कि ये लोग नहीं आने देंगे ये भी हो सकता है क्योंकि नेहा कक्कर वगैरह टाइप के लोगों की जॉब चली जाएगी फिर हाँ ये लोग उसको नहीं आने देंगे लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो ये बॉलीवुड का हिस्सा नहीं होते ज़्यादा तो ऐसे में भी अगर वो बॉलीवुड लेवल पे आ जाएगी ना कुछ सॉन्ग्स अगर मिल जाएंगे ना तो भाई तरक्की किसको नहीं चाहिए और बॉलीवुड चाहे कैसा भी क्यों ना हो लेकिन तरक्की तरक्की होती है हाँ म्यूज़िक पाए को थैंक यू बोलूँगा मैं बहुत ज़्यादा ये चॉकलेट पाए जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा उनको बैक करता है पवनदीप का म्यूज़िक अच्छा है ओवरऑल लिरिक्स म्यूजिक अच्छे लगे सॉन्ग बहुत बेहतरीन गाया है और उन्हें का एक बेस्ट परफॉर्मेंस बोलूँगा मैं मतलब एक एक ऐसा परफॉर्मेंस लगा मुझे ये सॉन्ग में यार वो एक्टिंग भी अच्छी करती है भाई तो हाँ तो एक ऐसा परफॉर्मेंस था जो इससे पहले भी उसने इस टाइप के परफॉर्मेंस दिए होंगे लेकिन ये वाले परफॉर्मेंस ने ना उस उनको भी हरा दिया उनको भी ओवर शेडो करा दिया कर दिया मतलब अरुणिता ने अरुणिता को ही हराया यही कह सकते ब्रिलियंट यार मज़ा आ गया वो इतनी मीठी वॉइस और एक अलग टाइप का ही यार उनमें कुछ जादू है जलवा है कि भाई कुछ लोग उनको लता दीदी से कंपेयर करते हैं वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शी इज़ गुड टैलेंटेड पर क्या है कि आ, मुझे नहीं लगता है कंपेयर करनी चाहिए जो लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि अगली लता या अगली आशा जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं तो कहूँगा शी इज़ फर्स्ट अरुणिता जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं ना कि नेक्स्ट सचिन नहीं यार ही इज़ विराट या फिर कोई नेक्स्ट विराट बोला जाता है तो ये शुभमन ऐसा नहीं ही इज़ फर्स्ट शुभमन ही इज़ फर्स्ट विराट ऐसे टाइप का सो शी इज़ फर्स्ट अरुणिता कंपेयर मत करो बेवजह क्योंकि क्या है कंपेयर करोगे ना वो पर्सन का थोड़ा सा ये हो जाता है मतलब उस पर ध्यान नहीं जाता है फिर लोग कंपेयर ही करते रहते हैं जो गलत है मुझे ये लगता है बेहतरीन सॉन्ग था ज़रूर सुनिए वीडियो को शेयर कीजिए टेक केयर